टाइम्स की न्यूज़ देखने के लिए फेसबुक पर लाइक करें, यूट्यूब पर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। मैं इस्लामुद्दीन खान और आप देख रहे हैं प्रहार टाइम्स। मुंब्रा के मित्तल ग्राउंड के पास स्थित शिया कब्रस्तान में कब्रस्तान के ट्रस्टी और सज्जाद उर्फ आउन के बीच में झड़प हो गई। ये विवाद कब्र को ईंट और मार्बल से पक्का बनाने को लेकर कब्रस्तान में ही विवाद हुआ है। दरअसल सज्जाद उर्फ आउन के पिता इब्ने हसन की मौत कोरोना काल में हुई थी और अब आउन अपने पिता की कब्र को चारों तरफ से ईंट और मार्बल लगाना चाहता है, मगर शिया कब्रस्तान के शिया असरी कमेटी के सेक्रेटरी इकरार हुसैन और कमेटी के एक अन्य मेंबर कब्र को पक्का बनाने से मना कर रहे थे। नहीं बनाने दिया जाएगा, ऐसा आरोप सज्जाद उर्फ आउन ने शिया कब्रस्तान के कमेटी पर लगाया है। शिया कब्रस्तान में ही हो रहे विवाद पर हमने कमेटी के सेक्रेटरी इकरार हुसैन और सज्जाद उर्फ आउन से भी बात की है, वो भी आपको सुनाएंगे। दरअसल आउन का कहना है कि इस कब्रस्तान में बारिश में पानी की वजह से स्थिति बहुत ख़राब हो जाती है और इसलिए वो अपने पिता की कब्र को पक्का बनाना चाहता है, मगर कब्रस्तान के कमेटी पर आरोप लगा रहा है कि उन्होंने कहा है कि अगर वो पक्का कब्र बनाएंगे तो उसे तोड़ देंगे। इसी बात को लेकर विवाद बढ़ गया, मगर कब्रस्तान के सेक्रेटरी इकरार हुसैन ने बताया कि अभी कब्रस्तान में मिट्टी डाली गई है और कब्र पक्का अगर बनाएंगे तो कोई मतलब नहीं है, क्योंकि मिट्टी अभी और दबेगी, और वहीं कब्र तोड़ने की बात से भी इनकार किया है। कमेटी पर पैसा मांगने का भी आरोप लग रहा है, मगर कमेटी के सेक्रेटरी इकरार हुसैन ने किसी भी तरह से पैसों का मांगने की बात से इनकार किया है, पूरी तरह से इसे गलत और बेबुनियाद झूठा बताया है। हालांकि शिया कब्रस्तान के सेक्रेटरी इकरार हुसैन ने कहा है कि वो अपने पिता की कब्र को पक्का बना सकता है। इस मसले पर हमने सज्जाद उर्फ आउन और शिया कब्रस्तान के कमेटी के सेक्रेटरी इकरार हुसैन से भी बात की है, सुनिए। होने दो भाई बेइज्जती, कोई इज्जत बेइज्जत के लायक भी नहीं है भाई। मैं उसी टाइम पे बुला रहा लायक भी नहीं है ये। अरे नहीं बनाते, दफन भी नहीं होते क्या? अरे हमारी देन है, बात मत करो। अरे ये जगह के बाप बन गए लोग, मुझे कहता जुमला बोल ले लो, ये नहीं चाहेंगे तो दफन नहीं हो पाएगा। आपने किससे पूछे बनाया उनको? आपने किससे? हमारी कमेटी ने बनाया, पूरी कमेटी। किसने बना दिया जमात का? आपने किसने बना दिया? ये बनाया क्या? हमने बनाया। अयाज भाई का कब्रस्तान लेके आया? क्यों करो अयाज भाई का? पूछ लो बाजू में खड़े हुए। अयाज भाई देखिए, अयाज भाई लेके आया कब्रस्तान? अयाज भाई, अयाज भाई, हसन भाई, अयाज भाई, हसन भाई ने बनाया कब्रस्तान? हमको ये मालूम है अयाज भाई के पास पहले पेपर था। हमने दिया, हमको तो बाद में मालूम है। किसी ने कब्रस्तान बनाने की? तूने पास कोई नहीं कराया था? अयाज भाई ने किया। आपने पास किया था? वो आप हमारे पास सब है, हमारे पास सब प्रूफ है। टाइम से मसला हुआ, इनके जितने कमेटी मेंबर है सब रिजाइन दे। आप रहो क्या? रिजाइन दे? नहीं रिजाइन चाहिए मेरे को। रिजाइन दे? रिजाइन चाहिए मेरे को। जाने दो, रिजाइन चाहिए, वरना कोई भी एक कबर का भी एक रुपया भी देगा नहीं। आप लोग 20,000 रुपया जो मांग रहे ना कबर के पीछे पीछे, एक मिनट लो, ऐसे कबर के पीछे 20,000 रुपया भाग रहे, कमीशन खा रहे। कोई बता दे और लो भाई, कहता बोल दे कि पैसा दोगे तो ही हम दफनाने देंगे। इधर पैसा इधर पे बिजनेस हो रहा है। मौलाना के साथ फीस है इनकी, लोग ऊपर से भी लेते हैं। कोई नहीं देता, ऊपर से भी पैसा लेते हैं लोग। चले भाई, पूछो दिए हैं? चुप हो जा, वो दिए हैं, पूछो। क्या नाम है आपका और क्या आपको करार स्थान की? क्या नाम की ट्रस्ट? सेक्रेटरी ट्रस्ट के सेक्रेटरी। क्या ट्रस्ट का क्या नाम है? सियास नासरी। क्या नाम है आपका? करार हुसैन। क्या मामला है जो कब्र को लेकर यहाँ विवाद हो रहा है? कोई मसला नहीं, कोई भी बात किसी का नहीं है, अब तक कुछ नहीं है। ये गड्ढे में थी, हमने मट्टी पाट के ऊपर लाए और उसको बोले कि बना भी दिया, कच्ची कब्र जो ऊपर निशानी थी हमने बना दिया। अब ये हुआ कि उस पर ईंट आएगी, ईंट लग जाएगी, बस यही है। अभी उनका कहना है कि आप लोग बोल रहे हैं अगर कब्र बना दिया जाए, नहीं ऐसा कभी नहीं, ऐसा कभी कुछ मार्बल लगाने कोई नहीं बोले तो बोले। हमने समझाया कि ये मट्टी नहीं पटी हुई है और इस पर अभी मत बनाना, जब बैठ जाएगी ना मट्टी उसके बाद बना, तो जब बनाना होता तब आते काम हो जाता।
अभी तो ईंट की ईंट की जैसे सबकी बनी हुई है, दिखाओ ईंट की सबकी जैसे बनी हुई वैसी बना लो। यानी आपका कहना है कि आप ईंट का बना लो बाद में मार। हाँ, बाद में बैठ मट्टी बैठने के बाद बनाना, यही हमारा है। क्योंकि वो नुकसान वो बनाएगा, उसका पैसा हमारा पैसा, वो हमारा सगे वाला है, उसका पैसा हमारा पैसा है। अगर वो बैठ जाएगी मार्बल तो किसको तकलीफ होगी? नहीं तो अगर वो कह रहे हैं मार्बल, नहीं वो अभी नहीं कह रहे हैं, अभी तो एक साल बाद बनाएंगे, लेकिन वो बातें अलग कर रहे हैं ना। अभी तो ऐसी बना के काम जैसे सबकी बनी हुई है वैसे बनना चाहिए। और जो आपके साथ में अभी एक ट्रस्टी और मौजूद थे, उन्होंने गाली गलौज को नहीं नहीं देखिए उनके ऊपर ये लोगों ने पहले गाली बका है, जोर जबरदस्ती किया। शायद उन्होंने कहा था अगर आप मार्बल लगाएंगे। नहीं नहीं वैसा नहीं कुछ नहीं, वो बोले कि कोई ट्रस्टी क्या होता है, देखो ट्रस्टी ट्रस्टी होता है तो ट्रस्टी क्या होता है ये नहीं बोलने का। ट्रस्टी तो यहाँ जब ट्रस्टी है तो ट्रस्ट का काम करेगा, वो समझाएगा आपको कि ऐसा मत करो ऐसा करो, ये सब एक आरोप लगा रहे थे यहाँ। अरे वो छोड़िए वो सब, सब तो पैसा सुनिए अभी, सुनिए अभी तक तो बहुत से आरोप लगे हैं। नहीं जो आरोप लगाए उन्होंने कि पैसा मांगा जाता है। नहीं नहीं कोई किसी से, हम अपने पैसे से बना के दे देते हैं। यहाँ कम से कम 2500-2500 कपड़े ऐसी होंगी कि हमने खुद बनाई है अपने पैसे से। ये भी कहा जा रहा है कि कुछ आप लोग किसी की धमकी वगैरह देते हैं? मैं तो नहीं देता कोई, ये नहीं देते हमारे के साथ जो ट्रस्टी हमारे, है देते हमारे हैं। नहीं, इनका कहना है कि जो है इन्होंने आपसे कहा है कि आप अभी ईंट लगा दो चारों तरफ, उसके बाद कुछ समय के बाद जब मिट्टी दबे फिर मार्बल का लगा दे। नहीं समझाया मेरी बात सुनिए। देखिए कवर है ना, हम लोग इनको ये तो नहीं कहते कि हम लोग आज ही आ जाए तो कल के कल ही बनाएंगे। हम लोगों ने क्या कहा इनसे कि हम लोग बनाएंगे बाद में, तो ये कह रहे हैं बेटा यहाँ से कोई कवर नहीं बनेगी, तुमको अगर बनाना होगा तो हमसे आके ऑफिस पे तुम मिलना, किधर इनकी ऑफिस हुसैन बेकरी, वहीं अपने आपस में डील करेंगे क्या इनको डील करना है। ठीक है, वो अंदर की बात है। बात रही जी कबर, अभी आप देख अंधेरा हो गया, कबर दिखेगी नहीं आपको यहाँ पर। बारिश में अगर मैं आपको वीडियो भेज दूंगा आप वीडियो दिखा दीजिएगा सब चैनलों पर, कबर कैसी पानी में मट्टी थी। मैं अभी भी आता हूँ ना अपने डैडी कबर देखिए रोता हूँ मैं, ये चच्चा बोलता हूँ मैं इनको, चच्चा ही मेरे डैडी के भाई लगते हैं। चच्चा अपने पैसे से ही कर रहे हैं। अरे वो कितने पैसे तुमने, तुमने कितना पैसा डाला वहाँ? आप लड़िए मत, कितना पैसा डाला आपको बताने की जरूरत नहीं है। गाड़ी मट्टी डाली कब्रिस्तान में, जब पानी जब मट्टी लेवल में कराना था उसको, तो लेवल के लिए जैसी भी मैंने खुद बुलाया था, मैंने जैसी भी उसको लेवल कराया था। उससे पहले दोस्त की मम्मी का भी कोरोना से इंतकाल हो गया था, तो इन्होंने साफ मना कर दी कि यहाँ कबर लेके नहीं आना। तो ये कालसेकर में हम लोग शानू भाई थे, शानू कालसेकर में इंतकाल हुआ था उनका, शानू भाई से उन्होंने बोल के इनको फोन करा, तो ये बोले कि हाँ ठीक है ठीक है, जहाँ पे उनकी डैडी की कबर है वहीं दफनाना। तो मैं उन्होंने उनको वहीं दफना दिए, जैसी भी मैं लेकर के आया। आपके डैडी की कब्र है वहाँ पर जो है, इनका कहना है कि आप अभी ईंट लगा के चारों तरफ बना सकते हैं। नहीं ऑन कैमरा में पहले से बोल रहे हैं, देखिए अभी ऑन कैमरा पहले भी बनी हुई थी ईंट की, पहले भी बनी हुई थी, पहले बनी हुई थी, पहले पैसा दिए थी, वो पैसा दिए। अरे सुनिए, वो गड्ढे में थी, हमने मट्टी पाट के ऊपर किया कैमरे में, इसलिए ऊपर किया कि उर्मसी होती है पानी, बारिश आएगी अगली तो बारिश हो जाएगी, पानी भर जाएगा। हमने मट्टी पाट के लेवल किया और उसके बाद ऊपर बना के दिया। अब उसके बाद ईंट लगाना ये लगाना, वो जो मजदूर है वो करेगा कि नहीं करेगा? अभी फिलहाल जो इनकी मांग है कि जैसा ये बनाना चाहते हैं कब्र, आप वैसा बनाने देंगे इनको? अरे हम जैसा चाहे वैसा बनावे, मगर हमारा तो फिर आखिर यहाँ विवाद क्यों हुआ? कुछ नहीं, ये एक सिर्फ सोच का फर्क है। ये तो बोल रहे हैं कि आप बनाओ, हाँ ये कह रहे हैं बनाना जो इनका जो ट्रस्ट है। अरे हम जब बोल रहे हैं तो दूसरे से क्या मतलब है? राजू ने कहा कि तुम डैडी का बना के दिखा, हम सिक्रेटरी है अंकल, हमने बताया, हम अपना भतीजा समझ के बोला कि तुम ऐसा कर लो बाद में बैठ जाएगी मट्टी। लेकिन बाकी तो सुनो, देखो बात कोई भी सामने कहा था कि ठीक है, लड़िए मत बात बढ़ाने से बढ़ती है, देंगे आप क्यों नहीं बनाएंगे? ठीक बात, ठीक है आप बना सकते हैं, हमने पहले भी बनाने के दिया था, बनाए थे। आपके दूसरे जो और ट्रस्टी है, देखिए इनकी भी लैंग्वेज वैसी है, उनकी भी वैसी है, जो जैसी लैंग्वेज में बात करेगा उस लैंग्वेज में बात करेगा।